नमस्कार, मैं हूं ऋषि शेखावत। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए आरपी न्यूज। आरपी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने मिट्टी में शहीद नायब सूबेदार सोमवीर के घर पहुंचकर धर्मपत्नी सुमन माता व राजेंद्री देवी परिजनों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि सोमवीर की शहादत पर राष्ट्र सदैव ऋणी रहेगा। ऐसे वीर सपूत पर हमें नाज है और उनका बलिदान युवाओं के लिए प्रेरणा का काम करेगा। उन्होंने कहा कि प्रभु से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने शीर्ष चरणों में स्थान दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार शहीदों के परिवार के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देश की रक्षा सुरक्षा हम सब का दायित्व है और सभी को मिलकर चिंता करनी चाहिए। देश की सुरक्षा को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने शहीद सोमवीर के अंतिम संस्कार स्थल पर सोमवीर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि शहीद नायब सूबेदार सोमवीर गत 24 फरवरी को जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के तुरी गांव क्षेत्र में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। 26 फरवरी को राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव मिट्टी में शहीद सोमवीर का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, सांसद धर्मवीर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष जेपी दलाल, जिला महामंत्री विजय सिंह शेखावत, भाजपा जिला अध्यक्ष नंदराम धनानिया, उपायुक्त अंसद सिंह, पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया, एसडीएम शिवानी पृथ्वी सिंह व समस्त ग्रामवासी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ मौजूद रहे।